सवाल है कि क्या वीडियो शूटिंग जायज़ हैं, चाहे शादी की हो या किसी इस्लामी बयान की। देखिए, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिन हुस्न इस्लाम अल-मरई तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वह ऐसी चीज़ को छोड़ दे जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिससे उसका कोई मतलब नहीं। शादी वगैरह की शूटिंग करना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि आम तौर से उसमें मर्द और औरत का इस तरह से जो बेपर्दगी के साथ सारी शूटिंग होती है, दुल्हन की भी हो रही है, दूल्हे की भी हो रही है, ये जायज़ नहीं है। सब लोग मिलके उसको बेपर्दगी के साथ देखते हैं, ये जायज़ नहीं है। और अगर सिर्फ दूल्हे की कर रहे हैं तो भी बचना चाहिए। हाँ, अगर कुछ रिकॉर्ड ज़रूरी है उसके लिए, लीगल वगैरह वगैरह, तो एक हद तक ठीक है। सुबह से उसके नहाने से लेके उसको बिल्कुल रात तक, जबकि वो एकदम निडाल हो चुका हो, चेहरा एकदम उतर गया उसका, वहाँ तक पूरी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं और पूरी रिकॉर्डिंग बना रहे उसकी 5-6 घंटे की, इसका क्या मिलने वाला क्या है इससे? मतलब खामखा क्यों इतनी बैटरी आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी, और अपनी भी वेस्ट कर रहे हैं और उसकी भी, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बेफायदा काम नहीं करना चाहिए। बयान की कर सकते हैं, इसलिए कि उलमा कहा है अगर इससे दीन का फ़ायदा होता है तो ऐसी चीज़ की जा सकती है, इसलिए कि इसकी हुरमत की कोई वाज़ह दलील नहीं है। हाँ, जो तस्वीर होती है जिस पे जानदार की तस्वीर होती कागज़ पर, दीवार पर या कपड़े पर, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग जो होती है उसकी गुंजाइश है, खुसूसन ऐसी सूरत में जबकि बातिल इस ज़रिए को इस्तेमाल कर रहा है और बात पहुँचाने के लिए इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो किया जा सकता है।